अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रिसेंटली क्लास 11th का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया था। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए और कुछ ऐसे जिनका एक दो सब्जेक्ट रह गया। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टूडेंट जो है इसका, अगर देखेंगे जिसका एक सब्जेक्ट पास है दो है, तो वो हम आगे बता देंगे आपको करना क्या होगा। लेकिन परसेंटेज जो टोटल निकली है 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, वो निकली है 40-50%। यानी कि 100 स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम दिया, उसमें से 40-45 स्टूडेंट्स ही पास है। यानी कि वर्स्ट रिजल्ट आ गया है 11th क्लास का। इसमें से हार्ड जोन सॉफ्ट जोन दोनों स्टूडेंट्स के लिए था। लेकिन और एक मिस्टेक की है, जेके बॉस ने किसी स्टूडेंट को 45 से 46 मार्क्स थे तो उसको भी यहाँ पर अपीयर लिखा गया था। साथ ही साथ जो स्टूडेंट 33 के बिलो है उसको भी वहाँ पर अपीयर का जो है वो टैग लगा है। यहाँ पर अगर मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, जो जो भी स्टूडेंट फेल हो गया है जेके बॉस की जानिब से एक दो सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले अगर आपके 45-46 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड ऑफिस जाके जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर कन्फर्म करना है। ओके, सेकेंड थिंग इज, अगर एक दो सब्जेक्ट आपको रह गए हैं तो आपको रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई भी करना होगा। अगर 2-3 मार्क्स ज़रूरत है तब, अगर 10 मार्क्स तक है या 5 मार्क्स तक, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं होगा, वो फीस भी ज़ाया होगा। तो इसके लिए सेपरेट एक जो मतलब कि बाइनरी स्टूडेंट्स का फॉर्म निकलता है, उसके लिए वो सेपरेट निकलता है। जब आ जाएगा इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। वो कम से कम 15 to 20 days के बाद ही वो उसका जो फॉर्म है वो निकल कर आता है। और बेस्ट विश से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये एक एग्ज़ाम होता है, लाइफ नहीं होती है। अगर किसी को कम मार्क्स आ रहे हैं तो 12th में इंशाल्लाह मेहनत करेगा वो। ओके, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आए तो ये नहीं गुमान में नहीं रहना चाहिए कि मैं 12th में जो है ऐसे ही लाऊंगा, नहीं, ये उल्टा पलट गेम होती है। तो अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, अगर आप कम आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि 12th में आपको पता हो 12th के मार्क्स थोड़े से काम आते हैं आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आपको एडमिशन करना होता है किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में तो वो मार्क्स आपको काम आते हैं उस टाइम। तो इसलिए अगर आपके आज काम आ रहे हैं तो टेंशन ना ले, रिग्रेट फील ना करें और आगे मेहनत अच्छे से करें। और जो फेल हो गए हैं तो उनके लिए भी मेरी नसीहत ये है कि हिम्मत ना हारे, नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उसके लिए जो फेल हो गए 1-2 मार्क्स से, ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुँचाना। तो मेरी बेस्ट विश आपके साथ हमेशा है। दीजिए इजाज़त, बाई को, अल्लाह हाफिज़।